नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटीरियल द मैग्नेटिक डोमेन्स। देखिए, इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि क्या वो एक्सपैंड होते हैं, रोटेट फर्स्ट एंड देन एक्सपैंड फर्स्ट एंड देन रोटेट, और नाइदर रोटेट नॉर एक्सपैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि मैग्नेटाइजेशन कि प्रोसेस में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस होता है, इसमें मैग्नेटिक डोमेन्स पहले एक्सपैंड करते हैं एंड देन रोटेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है जी, एक्सपैंड फर्स्ट देन रोटेट। अब है आपका मटेरियल विद एप्लीकेशन मैच द फॉलोइंग। इसको अच्छे से करिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या आंसर दिया है इसमें। सिलिकॉन स्टील जो होता है ये आपका पावर ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है, फेराइट्स आपकी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होते हैं, और जो एल्निको होता है परमानेंट मैग्नेट्स में यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, 412। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है 412। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल्स विच लैक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स, जिनमें परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स की कमी होती है, जो जिसमें वो एग्जिबिट नहीं करता, देयर इज नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डाया मैग्नेटिक। उसको हम क्या बोलेंगे? डाया मैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज बिल्ट अप ऑन लैमिनेशन। देखिए, इस केस में बिल्ड अपॉन लेमिनेशन, क्यों हम उसमें लेमिनेशन करते हैं? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। क्यों करते हैं? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। ठीक है, उसके बाद है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए, ये जीडी पैरामैग्नेटिक है, फेराइट फेरी मैग्नेटिक है, ओजोन फेरोमैग्नेटिक है, सोडियम क्लोराइड इज नॉट डायमैग्नेटिक, इसलिए ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सॉरी ये गलत है। सोडियम क्लोराइड डायमैग्नेटिक है, जीडी होगा इसमें, जो जीडी है इट इज पैरामैग्नेटिक, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरेसिस लॉस इन अ ट्रांसफार्मर वर्किंग एट 220 वोल्ट एंड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इज 100 वॉट। व्हेन द ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट एंड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज, व्हाट इज द हिस्टेरेसिस लॉस? देखिए, PHY, hysteresis loss is directly proportional to frequency. That means PH2 by PH1, this is equal to F2 by F1. ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि पहली फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी है, ये 100 हर्ट्ज हो जाएगी और ये हो जाएगी 50. तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये तो आपकी 2 होगी ना, दिस इज 2, ये तो कट कुटा के 2 आएगी। अब यहाँ पे PH2 कितना है? यहाँ पे जो आपका जो इसमें आप ये कह रहे हो, व्हाट इज द हिस्टेरेसिस लॉस, इसमें आप कह सकते हो कि PH2 इज इक्वल टू 2 × 100, दैट मींस ये 200 वॉट हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस नहीं है? तो देखिए, इसमें जो होगा आपका राइट आंसर वो होगा हॉल ट्रांसड्यूसर, ट्रांसफॉर्मर, स्पीडोमीटर, या कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्पीडोमीटर इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। हॉल ट्रांसड्यूसर, ट्रांसफॉर्मर, एडी करंट डैम्पिंग डिवाइस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, बट स्पीडोमीटर इज नॉट फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। देखिए, परमानेंट मैग्नेट्स के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? परमानेंट मैग्नेट्स के लिए हम कार्बन स्टील यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? कार्बन स्टील। तो यहाँ पे ये कार्बन स्टील होगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव क्यूरी टेम्परेचर। जब किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम अबव यूज करते हैं, अबव क्यूरी टेम्परेचर हीट करते हैं, तो क्या होता है? इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो थर्मल एनर्जी होती है एटम की या मॉलिक्यूल की, इट मेक्स द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन रैंडम मैनर, रिजल्टिंग इन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द मटेरियल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इट बिकम्स नॉन मैग्नेटिक। ये जो आपका आंसर है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव क्यूरी टेम्परेचर, इस केस में जो इसका राइट आंसर होगा, इट बिकम्स नॉन मैग्नेटिक। जब हम इसे अबव क्यूरी टेम्परेचर हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा? इट बिकम्स नॉन मैग्नेटिक। ये डाया नहीं होगा, ये फेरो नहीं होगा, ये एंटी फेरो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थर्मल एनर्जी जो होती है पैरा में, जो थर्मल एनर्जी होती है, ये एटम है, तो इसकी जो थर्मल एनर्जी है, टी इज थर्मल एनर्जी, इट मेक्स द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स, जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं इनके जो ओरिएंटेशंस होते हैं, द वे दे आर पोजिशन, इनके ओरिएंटेशंस जो होते हैं,
इसको रैंडम मैनर में मूव कराता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इट बिकम्स जीरो, ठीक है, फॉर द मटेरियल। तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉन मैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स शो हिस्टेरेसिस इन बीएच कैरेक्टरिस्टिक एज द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड स्लोली फ्रॉम जीरो वैल्यू, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस व्हिच सेट्स इन द मटेरियल टू गिव नेट मैग्नेटाइजेशन। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए कि व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अप्लाइड, जब आप एक्सटर्नल लगाते हो कोई, तो क्या होता है, लार्ज मैग्नेटाइजेशन, जो लार्ज मैग्नेटाइजेशन होता है इट इज अचीव्ड इन टू वेज। पहले तो मैग्नेटाइजेशन बाय डोमेन ग्रोथ होता है, मैग्नेटाइजेशन बाय डोमेन ग्रोथ होता है, ठीक है, और दूसरा होता है मैग्नेटाइजेशन बाय डोमेन ओरिएंटेशन, मैग्नेटाइजेशन बाय डोमेन ओरिएंटेशन, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, फर्स्ट केस में जब आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो, तो जो डोमेन्स हैं विच आर फेवरेबली ओरिएंटेड, जो डोमेन्स हैं जिस तरह से वो ओरिएंटेड हैं, दे विल ग्रो इन साइज। ये क्या करेंगे, दे विल ग्रो इन साइज, साइज में ग्रो करेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ अनफेवरेबली ओरिएंटेड डोमेन्स। तो सेकेंड केस में क्या है कि जब आप डोमेन रोटेशन करेंगे, तो डोमेन्स में रोटेट एंड ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू गिव लार्ज मैग्नेटाइजेशन। तो इसीलिए जब आप मैग्नेटिक फील्ड को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे फ्रॉम जीरो टू हाई वैल्यू, तो पहले तो आप जीरो से जब शुरू करेंगे बढ़ाना, तो फर्स्ट प्रोसेस विच सेट्स इन द मटेरियल टू गिव नेट मैग्नेटाइजेशन, एक होगा डोमेन ग्रोथ, एक होगा डोमेन रोटेशन। तो इसका जो राइट होगा, ग्रोथ ऑफ फेवरेबली ओरिएंटेड डोमेन्स एट द कॉस्ट ऑफ अदर डोमेन्स बाय रिवर्सिबल बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट्स, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक डोमेन ग्रोथ से होता है, एक डोमेन ओरिएंटेशन से होता है। तो जो फर्स्ट केस है, जब आप इसमें एच को बढ़ाओगे, विच आर फेवरेबली ओरिएंटेड, जो कि क्या करेंगे, डोमेन को साइज में भी ग्रो कराएंगे, इस केस में क्या होगा, डोमेन विल इंक्रीज इन साइज, फर्स्ट केस में डोमेन जो होगा दे विल इंक्रीज इन साइज एंड एट द एक्सपेंस ऑफ अनफेवरेबली ओरिएंटेड डोमेन्स। और दूसरा क्या होगा कि डोमेन्स डोमेन ओरिएंटेशन में इट विल ट्राई टू रोटेट, इट मे रोटेट एंड जो उनका अलाइनमेंट होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू गिव लार्ज मैग्नेटाइजेशन। तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन सही। तो अगर आपको पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाई हूँ। टिल देन गुड बाय।